तो देखो भाई लोग, आज टाटा ने ऑफिशियली अपनी मोस्ट अवेटेड ईवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि है टियागो ईवी। इसको टाटा कंपनी ने सबसे पहले 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था, लेकिन उसके बाद आज इसको ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसकी प्राइसिंग। हालांकि लॉन्चिंग से पहले इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा बताई जा रही थी, लेकिन लॉन्चिंग के दौरान इसकी प्राइसेस रिवील करने के बाद डेफिनेटली अब ये लग रहा है कि ये कार इंडियन मार्केट में तबाही मचाने वाली है, क्योंकि टाटा कंपनी ने इस कार को काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। हालांकि इसके प्राइसेस सुनकर आपके तो डेफिनेटली होश उड़ने वाले हैं। इसके प्राइसेस के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहां पर सबसे पहले बैटरी पैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा टियागो ईवी के अंदर आपको दो बैटरी पैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। 19.2 किलोवाट आवर बैटरी पैकअप का इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है, जिसकी मदद से आपको लगभग 250 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। यानी इस बैटरी पैकअप वाले मॉडल के साथ अगर आप जाते हो तो आपको एक सिंगल चार्ज में 250 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। अगर आपको ज्यादा रेंज वाला मॉडल परचेस करना है तो आपको लेना पड़ेगा 24 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन, और यहां पर आपको 315 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। यानी 300 किलोमीटर तक के ऊपर एक सिंगल चार्ज में इस बैटरी बैकअप के साथ टाटा टियागो ईवी चलने वाली है, तो ये भी बढ़िया बात है। हालांकि इसके अंदर आपको दो ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। इसका स्पोर्ट्स मोड अगर आप यूज करोगे तो 0 से 60 किलोमीटर का स्पीड आप सिर्फ 5.7 सेकंड के अंदर पकड़ लोगे। यहां पर आपको एक्सीलरेशन अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं डाइमेंशंस की बात करूं तो यहां पर करंट टियागो के मुकाबले टियागो ईवी के डायमेंशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करे गए, लेकिन जो चेंजेस इसके एक्सटीरियर में आपको देखने को मिल जाएंगे वो रहेंगे इसके फ्रंट के फीशिया में। इसके फ्रंट के जो ग्रिल्स है ये आएंगे क्लोज फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि ये एक ईवी कार है। ईवी कार के ग्रिल्स थोड़े से अलग रहते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल वाली कारें, तो यहां पर आपको इसके फ्रंट के ग्रिल्स थोड़े से अलग देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू करंट मॉडल। इसके अलावा लाइटिंग सेटअप और बाकी की चीज आपको नॉर्मल ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन इसके एक्सटीरियर में आपको बहुत जगह पर ईवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका इंटीरियर, इसके इंटीरियर में आपको नॉर्मल से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर आपको जेड कनेक्ट नाम का एक फीचर मिलने वाला है। बेसिकली टाटा के बाकी कारों के अंदर आपको IRA नाम का कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का फीचर मिल जाता है, लेकिन टाटा ने टियागो के अंदर जेड कनेक्ट नाम का कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का फीचर का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके तहत आप 45 से भी ज्यादा फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू, इसके अलावा स्मार्ट वॉच के थ्रू अपने कार को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी बढ़िया फीचर आपको टाटा टियागो के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा इंटीरियर में आपको लेदर के सीट्स मिलेंगे, जिसका कंफर्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी इसके अंदर ऑफर किया जाएगा। इलेक्ट्रिक ORVM का ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ ये आ जाएंगे इजीली। क्रूज कंट्रोल का फीचर आपको मिलने वाला है। पुश बटन और स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का ऑप्शन आपको मिलेगा। हालांकि ये सेफ्टी के सबसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सेफ्टी की बात आई गई है तो आपको बताना चाहूंगा, जो करंट टियागो इंडियन मार्केट में बिकती है उसको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले है, और टियागो ईवी को भी टियागो के ऊपर ही बिल्डअप किया गया है, तो डेफिनेटली इसको भी आपको लगभग सेम रेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। यानी सेफ्टी फीचर्स आपको लगभग सेम ही मिलने वाले हैं, जो कि आज के डेट में टियागो के अंदर मिल जाते हैं। अगर मैं बाकी इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात करूं तो टियागो ईवी के अंदर आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, और ढेर सारे फीचर्स आपको टियागो ईवी के अंदर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है चार्जिंग ऑप्शन। आपको चार अलग चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप 15 एम्पियर के पोर्ट से चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा 3.3 किलोवाट चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हो। 7.2 किलोवाट आवर का चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है। अगर आप 7.2 किलोवाट आवर चार्जर से चार्ज करोगे अपने टियागो ईवी को तो ये फुल चार्ज होगी 3 घंटे 36 मिनट के अंदर, और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3.5 घंटों के अंदर इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा टियागो ईवी DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, और 10 से 80% इसकी बैटरी सिर्फ 57 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो आपको फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर जाना पड़ेगा, और वहां पर ये सिर्फ 57 मिनट के अंदर 80% तक चार्ज हो जाएगी सिर्फ 57 मिनट के अंदर, तो ये भी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। अब यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा टियागो ईवी को 7 अलग वेरिएंट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। इसके बेस मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 8,49,000 रुपीज से, और जो टॉप वेरिएंट है एग्जर्ट प्लस टेक लग्जरी, इसकी कीमत 11.79 लाख रुपीज तक चली जाती है। सभी वेरिएंट की प्राइस मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर हर एक वेरिएंट की प्राइस देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ टियागो ईवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। अब इसके बेस वेरिएंट को भी खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो अब इसके टॉप मॉडल के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी रेंज, 19.2 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप के साथ ये लगभग 250 किलोमीटर तक की रेंज देगी, और 24 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप के साथ आपको लगभग 315
किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। इसका डिटेल रिव्यू वीडियो एक दो दिनों के अंदर आ जाएगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। और हाँ, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको 10 लाख रुपए के अंदर एक अच्छी ईवी कार लेनी है।